टूरिज्म के नाम से पूरे जग में मशहूर हुए हमारे गोवा राज्य में ट्राइबल लोग रहते हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और इन्हीं ट्राइबल लोगों के महिला से जो खेल खेले जाते हैं वो हमारे गोवा के संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। पहले से ही सिर्फ अपने ही घर का काम और बच्चों का संभाल करने वाले महिला लोगों को अपनी परंपरा से खेले जाने वाले पारंपरिक खेल को खेलने का ऐसा एक अवसर मिला जाता है, वो अवसर है दिल्लो का त्यौहार। हमारे गोवा में ट्राइबल लोग अलग अलग त्यौहार बनाते हैं और उनमें से खास महिला प्रधान त्यौहार ढिल्लो है और वो दिवाली के दिन आता है। ये त्यौहार देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकी के नाम से किया जाता है। इस त्यौहार के दिन गांव के सभी महिला लोग अपने कुलदेव के पास इकट्ठा होते हैं और पवित्र जगह की मिट्टी लाकर गाँव के खास चार महिला लोग, जिसको हम चौगुले कहते हैं, वो महिला ढिल्लो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। और उसको खास मांड पर बिठाकर उसकी पूजा करके प्रार्थना करता है और उसके बाद उसके सामने अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाते हैं। वो क्या खेलता खेल है? खेलता है। पहले वडलाचा ना हम के तो वडलासन मळे कन नसन पुरा पहले जान शिकमो तो दल्या खेळ खेळपाचो आणि जो आमगे बायला खेळ खेळपाचो बायलांचा आमगे आणि खेळना याद दिल्या खेळान कित फायदा तुमका? याद दिल्या खेळान फायदा म्हणजे आम्ही भुरग्यां घेऊन आम्ही रावता पहिले आणि आता आम्ही खेळ झाल्यावर वयता भायर फायदा घेता मणार खेळ असे फुट वयता आता म्हणजे या दिल्या खेळान तुम्ही फुडे येले दिल्या खेळान फुडे येले आम्ही आणि हंत बायलां खेळ आता हो खेळ भुरग्यांनी बी खेळ जाय नाही आता आम्ही जाणतेली जगातली मरतेली माहित तो खेळ कोण खेळतो। ये जो सबसे बड़ा संस्कृति का हिस्सा माने जाने वाले इस खेल को बाहरी लोगों ने भी देखना चाहिए और हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति दोनों संस्कृति का लेन देन होकर हमारे संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए। इंडिया अनहड़ के लिए मैं देवीदास गांवकर खोतीगांव कानकोणा गोवा से।